Welcome back to the San Welfare Law College online classes and yesterday my last, in last class we discussed about the concept of consumer uh, definition of consumer, who are consumers and who are not con consumers. Now in this class we will discuss about the uh, con uh, consumer of goods, definition of goods, definition of defect,

स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर नेशनल लेवल पर जाके उस चीज का ग्रीवेंसिस ले सके नाउ फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द कंज्यूमर हु आर कंज्यूमर ऑफ गुड्स कंज्यूमर गुड्स कौन होते हैं या कौन है कंज्यूमर गुड्स आर दोज पीपल हु आर बाइंग और हायरिंग गुड्स फॉर दियर पर्सनल यूज एंड इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ फॉर पर्सनल यूज़ एंड नॉट फॉर कमर्शियल यूज़ कि जो कोई पर्सन कंज्यूमर्स जो या मतलब पर्सन गुड्स परचेज करते हैं लाइक इन डेली नीड्स वी परचेज जैसे आटा खरीदते हैं हम लोग दूध लेते हैं देन वी आर कंज्यूमर की क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं उन चीज़ों को देन दे आर कंज्यूमर गुड्स कि हम डेली बेसिस पर उनकी नीड्स आराइज होती है लाइक व्हीकल यूज़ करते हैं हम लोग दीज आर ऑल्सो गुड्स फॉर अ कंज्यूमर then this is the whole concept behind consumer goods now uh, we will discuss definition of uh, goods first of all we should understand definition of uh, uh, goods uh, as per section 2i uh, of uh, consumer protection act 1986 definition of good is goods is, has been taken from soga and that is sale of goods act जो डेफिनेशन थी गुड्स की वो ए सेम ली गई है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रोवाइड करी गई है गुड्स को लेकर तो उस जो हम हम जो डिस्कस करेंगे डेफिनेशन गुड्स की वो एज पर सेक्शन एज़ पर सोगा एक्ट होगी मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे सेक्शन टू सेवन जो है सोगा का सेल ऑफ गुड्स एक्ट का वो डिफाइन करता है गुड्स को नाउ वाट आर गुड्स सी एनी मूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक पेन पेंसिल स्कूटर व्हीकल या कोई और व्हीकल या प्रोडक्ट मशीन जस्ट लाइक सिंपल मशीन जो मशीन जो हम मूवे मूवेबल होती है डेली बेसिस पे या फिर कोई भी जो हम यूज़ uh, करते हैं मशीनस लाइक like, uh, हम फोन यूज़ करते दिस इज़ ऑल्सो मशीन एंड हम लोग व्हीकल यूज़ करते वो भी मशीन की कैटेगरी में ही आती है देन दीज आर मूवेबल प्रॉपर्टीज़ तो ये सब गुड्स में इंक्लूड होता है थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच कैन बी severed बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कोई भी चीज़ जो लैंड से अटैच्ड है कोई भी प्रॉपर्टी या थिंग जो लैंड से अटैच है पर वो सीवियर करी जा सकती है जैसे फसल होती है गेहूँ की फसल हो गई या चने की फसल हो गई ये हम सीवेर कर सकते हैं लैंड से तो वो ए, आ, उसको हम सीवेर कर सकते हैं वो गुड्स है कि जब वो कटने के बाद जब वो मार्केट में जाएगी वो गुड्स की तरह अवेलेबल होगी मार्केट में कि हम उसको खरीद सकते हैं हम अपने पर्सनल यूज़

दैट इज मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स के अंडर कंसिडर नहीं किया गया है एंड देर इज वन केस आर डी गोयल वर्सेज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू थाउजेंड थ्री इसमें सुप्रीम uh, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो डेफिनेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो गुड्स की डेफिनेशन ली जाएगी इट विल बी पार मटीरियल टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन दैट इज सिमिलर टू सेल ऑफ़ गुड्स एक्ट 1930 में जो डेफिनेशन दी गई है गुड्स की वही सिमिलर एप्लीकेबल होगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के लिए दिस वाज हेल्ड इन दिस आर डी गोयल वर्सेस रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड केस 2003 का केस था ये इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस ऑल्सो इंक्लूडेड इन गुड्स इलेक्ट्रिसिटी और गैस को भी इंक्लूड किया गया है गुड्स की कैटेगरी में बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी वो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं हम डेली बेसिस पे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है हम उसको यूज़ करते हम प्रोजेस करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसलिए इलेक्ट्रिसिटी अब गैस सिलेंडर है वो हमारे घर में आता है हम उसको यूज़ करते हैं उसको भी एज अ क्योंकि हम उसको पोजेस कर सकते हैं हम उसको रख सकते हैं हम उसको, है, उसको यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको गुड्स की कैटेगरी में रखा गया है नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ डिफेक्ट किस डिफेक्ट पे हम कोई क्लेम डाल सकते हैं या फाइल कर सकते हैं या फिर कंज्यूमर फॉरम उसके अगेंस्ट में हम कोई ग्रेवेंस सीख कर सकते हैं मतलब रिडर्सल सीख कर सकते हैं उस ग्रेवेंस को लेकर तो हमें पहले का ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट में डिफेक्ट क्या है हमारे प्रोडक्ट में या कमी कम, ऐसी क्या कमियाँ रह गई थी कि हमारा एक केस बनता है कि हम प्रॉपर्ली हम कंज्यूमर फॉरम में जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेट फाइल कर सकें देन फर्स्ट टू अंडरस्टैंड डिफेक्ट वी विल डिस्कस द वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ द डिफेक्ट नाउ एनी फॉल्ट कोई भी कमी इम्परफेक्शन, मतलब कुछ कुछ गड़बड़ी उस चीज़ में शॉर्टकमिंग जो भी कोई कमियाँ रह गई हैं प्रोडक्ट में कोई दोष रह गया है या कोई ऐसी लापरवाही से बनाई गई प्रोडक्ट है जो कि हमारे हेल्थ या हमारे लाइफ को लेकर डेंजरस है वो किस चीज़ में क्वालिटी क्वांटिटी, पोटेंसी प्योरिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी की कोई बहुत कोई प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए था प्लास्टिक है कोई ऐसा बैड क्वालिटी का यूज़ किया गया है ताकि उसमें कुछ पानी गर्म पानी डालते हुए जल जाए या कुछ ऐसा चीज़ होता है वो क्वालिटी ख़राब है मतलब एक तरह से उसकी क्वालिटी बहुत चीप यूज़ करी गई है जहाँ पर उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए थी इस तरह से क्वालिटी में कोई ख़राबी क्वान्टिटी में जैसे दस के का आटे का हमने थैला ख़रीदा है आटे का पैकेट खरीदा है और उसमें हमें मिल रहा है सेवन पॉइंट हमें आ, उसमें आटा मिल रहा है तो क्वान्टिटी में कोई कमी रह गई है पोटेंसी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी की उसको बोला गया था कि दो साल तक चलेगा कोई प्रोडक्ट और वो एक छः महीने भी नहीं चल पाया है पूरा तरीके से तो उसकी कैपेबिलिटी क्या थी या उसकी पोटेंसी क्या थी उस प्रोडक्ट की प्योरिटी कि वो प्रोडक्ट शुद्ध है कि नहीं है प्योर like है कि नहीं है लाइक हम कॉटन की शर्ट खरीदते हैं उसमें बोलते हैं हंड्रेड परसेंट कॉटन लिखा रहता है और हम चेक करें उसमें अगर एटी परसेंट नाइलॉन है ट्वेंटी परसेंट कॉटन इंक्लूडेड है देन दिस इज़ ऑल्सो स्टैंडर्ड कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया गया जैसे आई एस आई स्टैंडर्ड से मेंटेन कोई प्रोडक्ट होना चाहिए था पर उस मेंटेन उस स्टैंडर्ड को उन्होंने मेंटेन नहीं किया इस जिस वजह से प्रोडक्ट खराब हो गया या प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मेंटेन फॉलो नहीं करने की वजह से उनको प्रॉब्लम हुई है वो जो कि रिक्वायर्ड है जो कि रिक्वायर्ड है इन uh, लॉज़ uh, के थ्रू कि उनमें वो होनी जरूरी चाहिए थी क्यों बाय बाय और अंडर एनी लॉ किसी लॉ के द्वारा जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए थे या कोई लॉज मेंटेन किए गए थे कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज के जिसके अकॉर्डिंग वो अवेलेबल कराई जानी चाहिए थी मार्केट में उनको फॉलो नहीं किया है अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और एम्प्लाइड अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में मेंटेन था कि आप प्रॉपर तरीके के प्रोडक्ट या गुड्स यूज़ करेंगे उस चीज़ को uh, करने के लिए काम को, को ख़त्म करने के लिए ऐसे बिल्डिंग होती है बिल्डिंग में बोला था हमने अच्छे प्रोडक्ट्स सैनिटरी वेयर यूज़ किए हैं बाथरूम में टॉप क्लास चीज़ें यूज करी है पर अदरवाइज दे आर नॉट यूजिंग दैट एज पर देर नॉम मतलब जो उन्होंने फिक्स किया उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो नहीं करते हैं उसको उसको अवॉइड करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है उसके उसको इंफ्लुस करते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट को एज क्लेम बाई ट्रेडर या किसी ट्रेडर ने कहा है कि हाँ मैंने सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करे हैं सारी क्वालिटी क्वांटिटी पोटेंस हर चीज़ मेंटेन करिए प्रोडक्ट की एंड जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं दी दी दे दी गई उस ट्रेडर के द्वारा तो हम ये उसको उस चीज़ को हम उसकी डिफेक्ट मानेंगे मैंने उस प्रोडक्ट में उसकी उसने वो कमियां छोड़ी है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम प्रॉब्लमराइज हुए हमें हमें गड़बड़ी महसूस हुई है कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है हमारे यूज़ के लिए तो इस चीज़ को हमें डिफेक्ट बोला है और ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है डिफेक्ट की मतलब इसके इसके अंदर जो जो चीज़ें डिफेक्ट में इंक्लूडेड होंगी वही उसी के अगेंस्ट क्लेम बनेगा उसी के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करी जाएगी देन वी विल डिस्कस टू केसेस इन दैट हम इसमें दो केसेस डिस्कस करते हैं दयानंद ए अवसारे वर्सेस भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1997 का केस है ये इसमें कहा गया था गैस सिलेंडर विद एक्सेसिव गैस इज डिफेक्टिव गुड्स अगर कोई गैस सिलेंडर अपनी कोई मानक क्षमता से ऊपर की उससे ऊपर गैस रखता है गैस मतलब उसमें भरी जाती है या उसको मतलब उस डिलीवर किया जाता है उससे ऊपर उस क्वांटिटी से ऊपर तो वो एक डिफेक्टिव गुड है उसको डिफेक्ट मानेंगे हम उस गुड्स गुड्स में ये इस दयानंद ए अवसारे वर्सेज भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में कमीशन ने कहा था फारूक हाजी इसमाइल साया वर्सेस गवा भाई बिसानिया ये 1991 का केस है इसमें क्या हुआ था इलेक्ट्रिक हाउस होल्ड अप्लायसेज विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब आई एस आई बीक अनसेफ आर डिफेक्टिव मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक हाउस होल्ड अप्प्लाइंसेस है अगर वो आईएसआई स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाए गए हैं प्रोड्यूस नहीं करे गए हैं उन मतलब आईएसआई के नॉर्म्स या फिर उसके रूल्स को फॉलो करके वो प्रोडक्ट नहीं बनाया गया है देन उसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट कहा जाएगा क्योंकि वो अनसेफ है हमारे पर्सनल या हमारे कंजप्शन के लिए वो प्रोडक्ट हार्मफुल है तो उसको डिफेक्टिव गुड्स की कैटेगरी में कैटेगराइज uh, किया गया है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्राइस कंट्रोल कि प्राइस कंट्रोल क्या है प्राइस कंट्रोल मींस कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम मार्केट में लाते हैं या फिर उसको बेचने के लिए हम मार्केट में रखते हैं तो एक सर्टेन प्राइस होनी चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग वो मार्केट में सेल हो प्राइस कैसे अगर कोई खाने की चीज़ है वो अगर आपको हज़ार दो हज़ार में मिलने लगे तो आप एक नॉर्मल पर्सन जो नॉर्मल इंसान है वो कै, कैसे उसको कंज्यूम कर पाएगा या उसको कैसे परचेज कर पाएगा इसलिए प्राइस कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है ताकि हम फूड कैटेगरीज प्लस अदर हाउस होल्ड अप्लाइंस प्लस अदर व्हीकल्स उन उन कैटेगरीज़ को डिवाइड करके उनके प्राइस मेंटेन कर सकें या उनको रेगुलेट कर सकें एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू तो प्राइस कंट्रोल क्या आ, कैसे होती है प्राइस कंट्रोल इज अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑफ प्राइसेस अकॉर्डिंग टू नेचर नीड क्वालिटी क्वांटिटी एक्सेट्रा ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय गवर्नमेंट मतलब कोई एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है ये गवर्नमेंट का कि वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी मार्केट में अवेलेबल है कंजप्शन के लिए या फिर कंज्यूमर्स के लिए तो उसकी प्राइस मेंटेन कैसे करी जाती है उसकी नेचर देख के उसकी क्वालिटी देख के क्वांटिटी देख के या फिर उसकी नीड मार्केट में कैसी है उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस मेंटेन करी जाती है अदरवाइज़ यू विल सी कि हम जैसे खाने के अब एक नॉर्मल बिस्किट है खाने का हम बिस्किट लेते हैं वो हमें नॉर्मली कितने रुपीज़ में मिल जाता है फाइव या टेन में एक नॉर्मल एक पा पार्ली जी का बिस्किट का पैकेट हमें मिल जाता है बट अगर वही प्रोडक्ट हमें सौ या दो सौ में मिले जबकि वो एक खाने की चीज़ एक छोटी सी चीज़ है उसकी प्राइस अगर इन्फ्लेन हो इन्फ्लेमेशन करके उसकी प्राइस हम सौ या दो कर दें देन इट विल नॉट जस्टिफाई द प्रोडक्ट एज वेल ना तो वो प्रोडक्ट को जस्टिफाई करेगा ना वो कंज्यूमर्स को जस्टिफाई करेगा तो प्राइसिस कंट्रोल करना एक स्ट्रैटेजिक तरीका है गवर्नमेंट का कि वो प्रोडक्ट्स को अगर अलग अलग कैटेगरीज पर डिवाइड करके प्रोडक्ट्स के प्राइसिस उसके अकॉर्डिंग नीड्स के अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई के अकॉर्डिंग उसकी कंजप्शन के अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर सके अब उसका रीजन क्या है प्राइस कंट्रोल का मेंटेन अफोर्डेबिलिटी ऑफ गुड्स इवन ड्यूरिंग शॉर्टेजेस ताकि कोई प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो उस टाइम में भी वो उस प्रोडक्ट उसी प्राइस पर अवेलेबल हो नॉर्मल पीपल के लिए कि जो आराम से इंसान या पर्सन ख़रीद सके अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको ले खरीद पाए उसमें वो कैपेबिलिटी है कि वो खरीद सकता है वो नॉर्मल प्रोडक्ट है उसकी नीड है वो जो रिक्वायरमेंट अब दूध का पैकेट है वो हमें पैंतीस का या बीस रुपये का जितने भी अमाउंट का मिलता है मार्केट में अगर वही बढ़ाकर हम डेढ़ सौ दो सौ पे ले आ जाए तो वो एक तरह से मतलब ह्यूमन के लिए मतलब नॉर्मल पर्सन के लिए एज ए खरीद पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा वो उसको कंज्यूम करने के लिए भी सोचेगा कि मैं इतना पैसा उस चीज़ में इन्वेस्ट करूँ वो भी डेली बेसिस पे उसके लिए इतना अमाउंट रोज़ रोज़ाना खर्च कर पाना मुश्किल है तो इसलिए तो, तो जो गवर्नमेंट है वो प्रोडक्ट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग उसकी नेचर के अकॉर्डिंग कि भाई हमारी जो डेली दे, नीड्स में जो प्रोडक्ट्स या गुड्स हम यूज़ करते हैं उसकी प्रोडक्ट्स कितनी होगी जो हम वैसे नॉर्मली हम और चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे प्रेस हो गई वॉशिंग मशीन हो गई उसके प्रोडक्ट्स के उसकी, उसकी प्राइस क्या होगी या हम कोई व्हीकल चलाते हैं उसकी प्रोडक्ट्स है है, तो क्या होगी टू तो व्हीलर की क्या होगी फोर तो व्हीलर की क्या होगी तो ये हर चीज़ वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक गवर्नमेंट बनाती है टाइम टू टाइम जो डिफर करती रहती है हर इकोनॉमी टाइमली बेसिस पे कि वो किस तरीके से उस प्रोडक्ट को अवेल कर अवेलेबल बना रही है मार्केट में अगर ज़्यादा है प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स प्राइस कम होगी अगर कम है प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स प्राइस हाई जाएगी तो उसको भी मेंटेन करना है ज़रूरी इसलिए गवर्नमेंट एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और पॉलिसी मेंटेन करके चलती है किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसको परचेज करने के लिए या सेल करने के लिए मार्केट में अफोर्डेबलिटी ऑफ गुड्स इवन ड्यूरिंग शॉर्टेजेस और टूलो स्लो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि प्राइसेस को कंट्रोल करा जाए अगर प्राइसेस कंट्रोल में नहीं होगी ऑफकोर्स इन्फ्लेशन बढ़ेगा डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्ट उस हिसाब से मार्केट में अवेलेबल नहीं है ऑफकोर्स तो उसकी प्राइसेस हाई होंगी इसलिए उस तो, मतलब जो बेसिक नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं उनको एक प्रॉपरली कैटेगराइज किया गया है कि ये इससे ज़्यादा अमाउंट में मार्केट में सेलिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे ये एक फ़िक्स प्राइस है जिसके जितने जिस अमाउंट तक ये बेचे जा सकेंगे उसके अलावा अगर वो उससे बढ़ाकर कोई प्राइस से लेता है तो वो एक तरह से वो लॉ इन्फ्लुंस कर रहा है एंड कोई उस पर एक्शन लिया जा सकता है ऑल्टरनेटिंग टू इंश्योर मिनिमम इनकम फॉर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन गुड्स और ट्राइंग टू अचीव मिनिमम वेज या फिर इसलिए भी गवर्नमेंट मेंटेन करती है प्राइसेस कंट्रोल लाइक जैसे हमारे फार्मर्स हैं वो मार्केट में फ़सल लेकर आते हैं वो हम बेचने जाते हैं मार्केट में तो उनकी एक एम एस पी डिसाइड कर रखी है गवर्नमेंट ने कि ये एम एस पी है जिसपे जिस, जिस प्राइस पे वो बेचे जाएंगे मार्केट में ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको मिनिमम वेज मिल सके उनकी मेहनत का जो उन्होंने साल भर उस चीज़ में लगाई है इसलिए इसको इसलिए भी ये प्राइस कंट्रोल करना एक जरूरी इम्पोर्टेंट थिंग माना गया है मार्केट uh, में प्रोडक्ट्स की या गुड्स की वैल्यू uh, को मेंटेन करके अब दो तरीके से प्राइसेस कंट्रोल होती हैं कैसे प्राइसेस कंट्रोल फॉर्म्स प्राइस सीलिंग एक फिक्स प्राइस मैक्सिमम प्राइस जिसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट हम बेच ही नहीं सकते अगर बेचा है तो वो एक पेनल्टी या फिर लीगल एक्शन के अंडर में उसको कंसीडर किया जाएगा या प्राइस फ्लोर मिनिमम प्राइस जो है आ, कि एक मिनिमम फिक्स प्राइस होती है कि एक मिनिमम अमाउंट की तो फिक्स प्राइस है ही जो इस प्रोडक्ट के लिए ली जाएगी उससे ऊपर हम थोड़ा मैक्सिमम लिमिट तक उसको सेट कर सकते हैं पर उससे ऊपर वो नहीं जाएगा जैसे आपने देखा होगा को कोई भी प्रोडक्ट लिखा होता है उस पर लिखा होता है एम एम आर पी का क्या मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि उससे ज़्यादा आप प्राइस उस प्रोडक्ट की आप ले ही नहीं सकते कोई भी सेलर अगर उससे ज़्यादा की प्राइस लेता है तो वो रूल्स या रेगुलेशंस को इन्फ्लुंस कर रहा है उसको अवॉइड कर रहा है लॉज को तो वो बेसिकली लीगल एक्शन उस पर uh, लिया जा सकता है उस चीज़ के लिए ठीक है दिस इज अ प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जिसके अकॉर्डिंग प्राइस मेंटेन करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा मार्केट में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेकर अब हम कुछ स्टैच्यूज देखते हैं जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स uh, या गुड्स जो भी है उनको डिफाइन uh, किया गया है कि उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर जाएंगे उनकी क्वान्टिटी क्वालिटी पोटेंसी को देखकर कि भाई इसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए अदरवाइज इट इज नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन क्या है 2006. जिसने अदर जो थे उनको करके नया एक्ट आया जिसमें उसमें सब चीजें मतलब करी गई है कि किस किस अकॉर्डिंग एक कोई प्रोडक्ट बनेगा मतलब लाइक मैन्युफैक्चर होगा प्रोड्यूस होगा फिर उसको सेल किया जाएगा रीसेल किया जाएगा और उसकी क्या प्राइसेस होंगी कोई आ, उसमें फिर कंडीशंस दी गई है कि नो मिसलीडिंग लीडिंग एडवर्टीज़मेंट होना चाहिए नो no हो, डिसप्शन होना चाहिए मतलब कोई डिसप्शन क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए कंज्यूमर्स पे उसको उसके यूज़ के लिए आ, या फिर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए जैसे हम लोग देखते हैं कि अब फेयरनेस क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल होती है कि चार दिन में सात दिन में गोरा दिस इज़ अ मिसलीडिंग लीडिंग एडवर्टीजमेंट इस तरह के एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं है आ, क्योंकि ये भ्रमित किया जाता है कंज्यूमर्स को उस चीज़ को प्रोडक्ट को तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि वो खरीदे उस चीज़ को उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होकर खरीदे दिस इज़ अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट लाइक फिर इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन ऑफ मार्क्स एक्ट नाइनटीन अब कोई भी जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है या फिर कोई भी अपलाइंसेज जो हम घर में यूज़ करते हैं मिक्सर ग्राइंडर हो गया गैस स्टोव हो गया या फिर हमारा आ, व, प्रेस uh, हो गया वाशिंग uh, मशीन हो गई कुछ भी प्रोडक्ट है वो हमारे जैसे डेली यूज में हम अपने घर में यूज़ करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग उनके नॉर्म्स uh, के अकॉर्डिंग बनने चाहिए अदर वो अदरवाइज दे आर नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन उनको हम ह्यूमन कंजप्शन के लिए अवेलेबल नहीं समझेंगे क्योंकि अगर वो उस चीज़ को एज़ ए हार्मफुल प्रोडक्ट कंसिडर किया जाएगा उन प्रोडक्ट्स को अदरवाइज uh, वो लोग कंज्यूम करेंगे तो ऑफ़ कोर्स हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिक शॉक लग सकता है या कुछ और चीज ऐसे हार्मुल हो सकती है कुछ भी जो लाइफ डेंजरस एक्टिविटीज़ हैं जो इन प्रो, इन प्रोडक्ट से हम लोग हमें हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है इसलिए इनको कहा गया है कि कोई भी प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके उनके अकॉर्डिंग ही इस्टलिश मतलब इस्टेब्लिश मैन्युफैक्चर किए जाएंगे अदरवाइज दे आर नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड इट विल बी कंसिडर्ड अ डिफेक्टिव इन गुड्स एंड दे आर लाइवल फॉर लीगल एक्शन फॉर दिस Uh, जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए वो लीगल एक्शन उस पर अराइज uh, हो सकता है उस केस में तो दीज आर द टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ और uh, <coughs> अब हम हमारा डेफिनेशन ऑफ गुड्स हमने पढ़ा कि गुड्स क्या क्या होंगे कौन कौन से कैटेगराइज करी गई है गुड्स में किस किस चीज़ों को रखा गया है गुड्स में फिर हमने डिस्कस किया डिफेक्ट डिफेक्ट के डिफेक्ट uh, में क्या क्या uh, चीज़ हैं जिसकी वजह से कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव uh, बनता है वो डिस्कस करी गई है फिर उसके बाद हमने प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म देखा है कि कैसे गवर्नमेंट एक प्राइस मेंटेन करती है मार्केट में प्रोडक्ट्स uh, को लेकर दैन दीज आर द टॉपिक्स वी हैव डिसकस्ड हेयर थैंक यू। सेंट विल्फ्रेड कॉलेज ऑफ लॉ सेक्टर 10, मीरा मार्ग मध्यम मार्ग जयपुर राजस्थान